आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन। हिस्ट्री मेड इन टेम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज। स्पोर्ट्स पल्स। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स लेकर हाजिर हूं मैं शिवेंद्र, और हमारे साथ हैं हमारे आज के मेहमान जाने माने खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश नमस्कार, स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया शिवेंद्र। स्पोर्ट्स पल्स में खेल दुनिया की हर धड़कन को महसूस करने की हमारी कोशिश के तहत आज हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में, अजलन शाह हॉकी के बारे में, इंडिया ओपन बैडमिंटन के बारे में, एशियन एयरगन शूटिंग, प्रीमियर लीग फुटबॉल, मियामी ओपन टेनिस और भी बहुत कुछ। लेकिन राकेश लगता है सबसे पहले लिसनर्स के पास चलते हैं, और हमने पिछले सप्ताह इनफैक्ट पिछले दो सप्ताह से आपके सुझाए हुए सवाल आ रहे हैं, और पिछली बार हमने सवाल पूछा था कि आईपीएल में, चूंकि आईपीएल की शुरुआत हो रही थी, एक सप्ताह हो चुका है, काफी कुछ हलचलें जारी हैं आईपीएल में अलग अलग मैदानों पर, हमने सवाल आपसे पूछा था कि आईपीएल में कौन सी टीम ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा मैच जीते हैं और कौन सी टीम ऐसी है जिसने सबसे कम मैच जीते हैं। हमारे पास काफी संख्या में मैसेजेस आए हैं जिन्होंने जवाब दिए हैं, हालांकि जैसे लास्ट टाइम विश्वनाथन आनंद के साथ हुआ था कि थोड़ी सी मुश्किलें थी, लेकिन मंजू श्रीवास्तव हमारी लिसनर हैं, लगातार ईमेल हमें भेजती रहती हैं, उन्होंने अपना जो जवाब बड़ा विशद वर्णन लिख के भेजा है कि किस टीम ने कितने मैच खेले और कितने जीते, और उन्होंने बताया है मुंबई इंडियंस के बारे में, 91 मैच उनका कहना है कि मुंबई इंडियंस ने जीते हैं और सबसे कम मैच दिल्ली की टीम ने जीते हैं। और दिवांशु यादव हमारे एक श्रोता है, उन्होंने ईमेल भेजा है, ऑस्ट्रेलियाई टीम के बारे में आंकड़ा दिया है, अमित ध्यानी मेरठ से, नरेंद्र गुरुगाम से, रमेश गाजियाबाद से, ये सभी हमें संदेश भेज रहे हैं कार्यक्रम के बारे में और सवाल के बारे में, कार्यक्रम पसंद आ रहा है इन्हें। राकेश आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए जवाब इसका तो यह है कि मुंबई इंडियंस जो टीम है जी, वो आज की तारीख तक 98 मैच जीत चुकी है जी, और उसमें मैं जो लास्ट मैच वो जो जीती है दो दिन पहले उसको मैं जोड़ के कह रहा हूँ, और सबसे ज्यादा मैच अगर कोई हारी है तो वो है, आपने उसका जवाब ऑलरेडी दे दिया था, दिल्ली कैपिटल्स जो है जी, वो 92 हार चुकी हैं अभी तक जी, तो दोनों 90s के फेर में हैं टीमें, यानी मुंबई इंडियंस शतक की ओर अग्रसर है जीतने की ओर, और दिल्ली कैपिटल्स ऑफकोर्स कोई भी उनका फैन ये उम्मीद नहीं करेगा कि सेंचुरी बनाए वो हारने की। लेकिन मंजू श्रीवास्तव जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, दिवांशु आपको भी शुक्रिया, और हमारे उन सभी श्रोताओं का शुक्रिया जिन्होंने हमें मैसेज भेजा और जिन्होंने हमें ईमेल भेजा। हमारा ईमेल आईडी एक बार आपके लिए फिर से airsportspulse@gmail.com, आपको अगर हमें जवाब भेजना है। आज का सवाल सबसे पहले क्या बैडमिंटन की ओर चले राकेश? बिल्कुल बिल्कुल शिवेंद्र। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन सेमीफाइनल दौर में पहुंच चुका है और भारतीय खिलाड़ी वहां पर सेमीफाइनल में शामिल है। हमारा आज का सवाल आपसे ये है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पहली बार सिंगल्स टाइटल, पहला एकल खिताब किस भारतीय ने जीता है, पहली बार कौन सा ऐसा भारतीय खिलाड़ी था जिसने इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है। आपको अपना जवाब लिखना है, उसका तरीका बताते हैं, टाइप करें रेन आर ए आई एन स्पेस दें, जवाब लिखें और भेज दें 5301055 3010 पर आपको भेजना है अपना जवाब। सवाल हमारा है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाला, सिंगल्स खिताब जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है, चाहे महिला वर्ग की बात करें या पुरुष वर्ग की। हु इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। और अब चलें राकेश आईपीएल की ओर। आईपीएल में एक सप्ताह में काफी कुछ हुआ है, रविचंद्रन अश्विन मैनकेडिंग की वजह से छाए रहे, संजू सैमसन ने कल पहली सेंचुरी लगाई इस सीजन की, उनकी दूसरी, टीम उनकी हार गई, और डेविड वार्नर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, सनराइजर्स ने पहला मैच जीता, मुंबई इंडियंस अच्छा खेल रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स एज यूजुअल कंसिस्टेंट हैं। बिल्कुल, देखिए अभी तक के जितने रिजल्ट्स आए हैं उसमें मेरे ख्याल से अपसेट बोलना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि देखिए टीम, अगर हम ये माने कि दिल्ली ने जिस अंदाज से मुंबई को हराया था, मैं उसे अपसेट इसलिए नहीं मानता हूं कि रेपुटेशन के हिसाब से, हालांकि मुंबई बहुत सक्सेसफुल टीम है, लेकिन उनका जो आपस का जो रिकॉर्ड है उसमें दिल्ली ने मुंबई को हमेशा मतलब या तो टक्कर दी है या एक मैच ज्यादा ही जीते हैं। जैसे आज की तारीख में 12 बार दिल्ली ने मुंबई को हराया है, और जैसे आपने सवाल पूछा था कि सबसे सक्सेसफुल टीम और जो टीम जिसने सबसे कम मैच जीते हैं जी, जब जब उनका आपस में मैच हुआ है उसमें देखिए आंकड़ों का उलटफेर कि
जो जो लीस्ट विनिंग टीम है उन्होंने सब स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को 12 बार हराया है जी, और 11 बार हारे हैं 12 बार हराया है। एक एक जो दिलचस्प इस बार जो इस समय बातचीत हो रही है मनकड़ के बारे में, वीनू मनकड़ हमारे महान क्रिकेटर हुए उनके नाम पर ही इस विधा को नाम दिया गया था आउट करने का एक तरीका, और यहाँ पर एक वाकया हुआ कि खिलाड़ी को आउट किया गया रविचंद्रन अश्विन के द्वारा। अब रविचंद्रन अश्विन खुद क्या कह रहे हैं पहले ये सुन लेते हैं। ठीक, on my part it was very instinctive and it was not planned or anything like that, it is there within the rules of the game. I don't know where the understanding or spirit of the game comes, because quite naturally if it's there in the rules it's there, so probably the rules need to go back and be, I don't understand the point of sporting or sportive in that point, because it's rules. What applies for one man doesn't apply for everyone else, so neither was Josh Butler playing then nor was I playing, so it's very very pertinent to just not compare two people. The crux of the matter is ki Ashwin ye keh rahe hain ki jab niyamon mein ये लिखा हुआ है या तो आप यू रिविजिट द रूल्स, आप नियमों में बदलाव करें, बिल्कुल नहीं तो इस पर विवाद की तो कोई गुंजाइश नजर नहीं। शिवेंद्र, इसमें देखिए हुआ क्या है कि एमसीसी के रूल्स हैं जी, तो एमसीसी रूल जब आए तो उन्होंने पहले तो खैर ये था कि साहब स्पिरिट ऑफ द गेम की बात कही गई कि आप एक बार वार्निंग देंगे एक ऐसे बल्लेबाज को जो नॉन स्ट्राइकर रन से बैकअप कर जाता है बहुत जल्दी जी, उसको एक अनफेयर एडवांटेज है वहां पे, बिल्कुल, और इसीलिए बोला कि पहले वार्न कर दिया जाए जी। अगर हम पाकिस्तान के उस वर्ल्ड कप मैच को याद रखें जहां पे कि कोर्टनी वॉल्श ने वो आउट कर सकते थे, उन्होंने आउट नहीं किया और वो मैच यू नो पाकिस्तान जीत गई और वेस्ट इंडीज हार गई थी, तो वो हम स्पिरिट की बात करते हैं। लेकिन 2017 में एमसीसी ने उसी रूल को एमेंड किया इसी आर्गुमेंट को खत्म करने के लिए कि साहब ये जो हो रहा है ये गलत है, क्योंकि बैट्समैन अनड्यू एडवांटेज ले रहा है वो भी स्पिरिट के खिलाफ है जी, क्योंकि जहां पे यू नो मार्जिन ऑफ एरर 1 इंच या 1 mm या 2 mm पे आता है रिप्लेस में, वहां अगर आप 6 इंच 8 इंच 1 फुट बाहर ही खड़े हुए हैं तो वो तो आप एडवांटेज ले रहे हैं, तो उस वक्त स्पिरिट ऑफ द गेम की बात कोई नहीं करता, तो इसलिए उन्होंने वो रूल एमेंड किया जी। लेकिन 2 दिन पहले एमसीसी ने फिर एक बार अपने बात को बैक ट्रैक किया और खुद ही कहा कि साहब ये स्पिरिट के अगेंस्ट है, तो एमसीसी खुद कंफ्यूज्ड है जी और ये सारे इश्यू में। मगर मैं अश्विन की बात से मैं सहमत हूं कि या तो आप रूल को चेंज कीजिए या ये स्पिरिट की बात ना करें, क्योंकि खिलाड़ी को आप कंफ्यूज ना करें, या तो वो नियमों के अनुसार खेलें या स्पिरिट के अनुसार खेलें जी। और अब बात करते हैं इंडिया ओपन बैडमिंटन की, जहां पर पीवी सिंधु सेमीफाइनल में ही बिंग जियाओ से खेलेंगी और उसके अलावा श्रीकांत आज अपना सेमीफाइनल खेलेंगे हुआंग जूशियांग से, कश्यप खेलेंगे एक्सेलसन से, बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। मनु अत्री भी सुमित रेड्डी भी सेमीफाइनल में है, और इंडिया ओपन बैडमिंटन के बारे में राकेश जरूर बात करेंगे, ही इज टू ईगर टू टॉक अबाउट दैट, बट पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। एक बार फिर से आपका स्वागत स्पोर्ट्स पल्स में, मैं हूं शिवेंद्र, हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश, बैडमिंटन की बात, हम खिलाड़ियों का हमने नाम लिया, पीवी सिंधु सेमीफाइनल में, श्रीकांत सेमीफाइनल में, कश्यप सेमीफाइनल में और मनु अत्री बी सुमित रेड्डी, सबसे अच्छी बात क्या लग रही है? सबसे अच्छी बात यह है कि जो इतने सारे भारतीय सैटरडे के दिन जी अभी तक उस खिताबी दौड़ में क्या खिताबी दौड़ में अभी तक शामिल है, सबसे बड़ी बात ये बहुत टाइम से नहीं हुआ है जी। और मैंने ये देखा है कि विमेन सिंगल्स में इतने सालों में अगर हम देखें तो बाय द टाइम फ्राइडे आता था तो या तो सिंधु सेना दोनों हैं या दोनों में से एक हैं और वहां तक हमारा जो चैलेंज है विमेन्स में खत्म हो जाता है। मेंस में भी अगर आप लास्ट के कुछ साल निकाल के देखें तो श्रीकांत अगर पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो बाकी सारे लोग जो है क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक बाहर जी। तो ये एक अच्छा है कि जो लोग देखने आते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये भारत का पहला बड़ा टूर्नामेंट है और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, या क्योंकि भारत में हमको देखने को मिलते नहीं है जब ये खिलाड़ी कैसे खेलते हैं, तो जो स्पेक्टेटर आता है जो आपका फैन है उसको देखने के लिए वीकेंड पे कुछ तो एक्शन होना चाहिए। और ये अच्छा है कि भारतीय और अलग 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 इसमें है सेक्शंस में है, तो अब ये एक इसमें फिर यू नो ये एक दोधारी तलवार है, जैसे या तो आप मान लें कि हमारे सारे जीत जाएंगे जी तो आपस में इंडियंस का ही पक्का हो जाएगा कि भारतीय को ही जो है किताब मिलेगा, श्रीकांत कहीं ऐसा ना हो कि विक्टर एक्सेलसन के साथ अभी जैसे कश्यप का मैच है, विक्टर एक्सेलसन बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, कश्यप अभी इंजरी से बाहर निकल के आ रहे हैं तो वहां ज्यादा उम्मीद नहीं है। श्रीकांत और हुआंग का मैच, ये वाला मैच मुझे उम्मीद है कि श्रीकांत निकालेंगे क्योंकि अच्छा खेल रहे हैं श्रीकांत जी। सिंधु और ही बिंग जियाओ, ये मैच जो है ये बराबर का मैच है, बहुत ही क्लोज मैच होने वाला है और इसमें मैं कह नहीं सकता कि कौन जीतेगा।
कुल मिलाकर के दिलचस्प परिस्थिति है इंडिया ओपन बैडमिंटन में और भारतीय खिलाड़ी फिलहाल आज सैटरडे को होंगे, तो आप कोशिश करें कि जाएं स्टेडियम में, मुकाबले का आनंद लें। केडी यादव इंडोर हॉल में ये मुकाबले हो रहे हैं दिल्ली में। अजलन शाह, हॉकी की बात करते हैं जहां पर भारत फाइनल खेल रहा है आज। भारत का मुकाबला होगा कोरिया से, शाम को फाइनल खेला जाएगा। कल भारत ने पोलैंड को 10-0 से हराया, इससे पहले जापान को 2-0, कोरिया से 1-1 से बराबरी, मलेशिया को 4-2 से, कनाडा को 7-3 से। और मनप्रीत, आज का जो फाइनल मुकाबला होने वाला है उस पर क्या कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुनते हैं। Yeah, it's gonna be really excited because this is the first tournament we are playing in a year, and obviously we want to win. Whatever will be the plan, that we need to execute, and whenever we get the chance, we need to score the goals, and we should not give them easy opportunity because they have a good plenty corner and they have some good skillful players as well. So we need to work on that, and we should not give them easy chances, and we need to play according to our plan. So we are having really good defenders and midfielders also. They are doing very well. And they are making opportunity, they are making PC as well for the team. So I think that's really positive point for us right now, and I'm so excited. And I think striker, they're going to give us more opportunity, and defense, we're going to have a good defense as well. And we're not going to give them easy chances. तो मनप्रीत कह रहे हैं कि कोरिया को आसान मौके तो बिल्कुल ही नहीं देंगे और काफी ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं। बिल्कुल, अभी जैसे इनके आवाज में एक यू नो एक जैसे जोश है, दम है, ये चीज अच्छी बात है। लेकिन एक चीज है कि देखिए, हमने पूरे कॉम्पिटिशन मगर एक ही टीम को नहीं हराया है, वो है कोरिया। हालांकि हम 60वें मिनट तक आगे थे एक गोल से और 60th मिनट में हमने कंसीड किया। ये गलती नहीं करनी है जी, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में हमने इतनी बार किया है ये, और आज एक बड़ा लाइक मौका है कि एक इंटरनेशनल खिताब आप जीत के आए जी। हालांकि वहां सारी टीमें स्ट्रांग नहीं थी, बट हमें ऐसे कॉम्पिटिशन में अपने अपनी टीम को कॉन्फिडेंस देना है, अपने फैंस को कॉन्फिडेंस देना है कि हम ऐसे टूर्नामेंट में हम सक्षम हैं इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। बिल्कुल, तो जो सबसे तगड़ा मुकाबला है, दो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं आपस में हैं, और जैसे ही इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस है इनको लैप्स नहीं करना है, मौके का पूरा फायदा उठाना होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है। क्योंकि कोरिया जो है एक बार स्कोर कर ले जी, उनका डिफेंस को भेदना बड़ा डिफिकल्ट है। हॉकी के बाद बात करते हैं शूटिंग की और थोड़े बहुत बात फुटबॉल की, उसके बाद कोशिश होगी टेनिस के बारे में कुछ डिस्कशन हो। एशियन प्लेयर एयरगन शूटिंग इस समय ताइपे में चल रही है, जहां पर मनु भाकर और सौरभ चौधरी का स्वर्ण प्रदर्शन जारी है। उन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में और मिक्स टीम इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीते हैं। और प्रीमियर लीग में एक बार फिर से इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आज शुरुआत हो रही है। जो भी टॉप गन्स हैं, चाहे आर्सेनल की बात करें, यूनाइटेड की बात करें, या मैनचेस्टर सिटी डिफेंडिंग चैंपियन या लिवरपूल, सभी आज मैदान पर होंगे। मायामी ओपन टेनिस की ओर चलते हैं राकेश, जहां पर रॉजर फेडरर जी 37 साल के युवा फाइनल खेलेंगे 33 साल के युवा जॉन इस्नर से। और खास बात यह राकेश कि इन दोनों खिलाड़ियों ने, फेडरर ने 19 साल के डेनिस शापोलोव को हराया है सेमीफाइनल में, और इस्नर ने 18 साल के क्वालिफायर कनाडा के फेलिक्स को हराया। क्या अमेजिंग रिजल्ट! देखिए, टीनेजर्स को हरा के अगर आप अपने रॉन्ग साइड ऑफ द 30s हैं जी, वहां से अगर आप जीत रहे हैं, तो ये चीज, ये एक ये कॉम्प्लीमेंट है कि आपने अपने फिजिकल फिटनेस लेवल को कहाँ रखा है जी। तो ये सब आजकल मॉडर्न स्पोर्ट्स के कुछ आपके जो गेन्स हैं वो ये हैं कि आपने कुछ एज को डिफाई किया है, आपने कुछ चीज़ों को जो नॉर्मल इतने सालों से जो हम सुनते चले आ रहे थे कि साहब 30-35 तक तो खत्म हो जाता है एक खिलाड़ी, लेकिन इन्होंने ये चीज़ प्रूव की है कि हम अभी भी अगर अपने आप को सही रखें जी, बिल्कुल मतलब इंजरी फ्री रखें, और वो करने के लिए मेहनत बहुत है। ये कहना बड़ा आसान है कि साहब आप अपने आप को इंजरी फ्री रखें जी, लेकिन बहुत जबरदस्त है। तो ये मैच जैसे आपने कहा दो युवाओं के बीच होगा जी। महिला वर्ग में एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, उनका सामना होगा कैरोलिना प्लिस्कोवा से, जिन्होंने सिमोना हालेप को 7-5, 6-1 से हराया। और 27 मास्टर्स 1000 खिताब जीत चुके हैं फेडरर। जोकोविच ने 32 जीते हैं, नडाल ने 33 जीते हैं, फेडरर 3 बार के विजेता हैं। एक बात तो है, लेकिन जब फेडरर किसी खिलाड़ी के सामने आते हैं, चाहे कितना ही छोटा या बड़ा खिलाड़ी, तो कुछ ना कुछ बैकअप द माइंड तो रहता ही है। इस्नर के साथ होगा? देखिए, फेडरर अगर अपने रिदम में नहीं पहुंचे जी, तो फिर इस्नर को चांस है। अगर अगर फेडरर अपना ए गेम खेलेंगे तो इस्नर को कोई मौका नहीं। फेडरर ए गेम खेलेंगे तो किसी को कोई मौका नहीं है। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। शुक्रिया शिवेंद्र। शिवेंद्र को इजाजत, आपके जवाबों का हमें रहेगा इंतजार। फिलहाल स्पोर्ट्स पल्स की पूरी टीम के साथ मुझे दें इजाजत, नमस्कार। Has done it. India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series. Sports Pulse. अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।